शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, आप अपने तकिए पर सो जाइए, मैं अपने तकिए पर सो जाती हूँ। अच्छा, वैसे तुम मेरे इतने करीब सोगी तो मुझे भी नींद अच्छी आएगी। चौवा ताई जी ने उठी नहीं, वरना उठ जाती तो पता नहीं क्या हो जाता घर। मैंने यहाँ पे किसी की आहट सुनी है। कुछ भी तो नहीं है। पक्का ना? एक बार चल के देख लेते हैं। रोमांस के बीच में ना अपने दिमाग का थोड़ा आराम ले। तेरा दिल टूट जाता है यार, और ध्यान देना है कि मुझ पे दोनों। आज बात नहीं कर पाऊंगी, कल मिलने आती हूँ। मैडम रुकिए, आप ऐसे ऊपर मत जाइए। ऐसे मतलब? मालिक मैं हूँ, ना तुम लोग ना वो। पर मैडम आपका चेहरा, तुमसे तो काफी सुंदर है मेरा चेहरा। औकात में रहो तुम सब। आरती इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? हेलो आरती, कहाँ हो तुम? अभी मैं ना वो अपनी एक दोस्त के घर पर आ गई थी। अरे इतनी सुबह सुबह चली गई तुम? कम से कम गणपति जी की आरती करके जाती। अरे मेरी दोस्त है ना, उसने अपने घर पर गणपति जी बिठाए हैं, तो मैंने आरती उसी के घर पे कर ली। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। जी भाभी, बस थोड़ी देर में। आरती, बस आई। लड़के की आवाज, ये कौन हो सकता है? क्या हुआ? सबका दिमाग एक साथ खराब हो गया था, इतना क्यों हंस रहे हो? कहते हैं बप्पा अपने भक्तों का असली चेहरा दिखा ही देते हैं। अब खुद को ही देख लो, अपना ये हरियाली चेहरा और उस पे गुस्से से चेहरा हुआ लाल। तुम्हारा असली काला चेहरा बहुत ज्यादा निखर रहा है।
लोग ना अपनी इस बचकानी हरकत पे हंस लो, लेकिन बहुत जल्द तुम सबके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। मुंह के बल गिरोगे सबके सब। अभी भी धमकी दे रही हो? लगता है ना दो चार सबक और सिखाने पड़ेंगे, तभी अकल ठिकाने आएगी इसकी। तुम सबसे ना मैं बाद में निपटूंगी, फिलहाल अपने गणपति जी की आरती मैं मंदिर जाकर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है रागिनी जरूर कुछ बड़ा करने वाली है, और हमने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। दीदू आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो गुस्से में मंदिर के लिए निकली है ना, ये गुस्सा उसी पे उल्टा पड़ेगा। ये वही है ना, लग तो वही रही है। खामन तो देखो इसका। बेटा कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे कहाँ चले, सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। ये क्या तमाशा है, हटो मेरे रास्ते से। अरे जुर्मों का तुम्हें कोई लिहाज नहीं है, बहुत उड़ रही हो ना, तुम्हें तो हम देखते हैं। अभी छोड़ो। पकड़ो इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ना नहीं है, मारती है, समझती अपने आप को। आखिर तुमने इस रागिनी को उसकी सही जगह दिखाई दी। वरुण जी, इसने जितना परेशान दीदू को और हमारे घर वालों को किया ना, उसके लिए तो ये सजा बहुत छोटी है। पर कीर्ति ये गलत है, रागिनी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम भी उसी की तरह बन जाएंगे। दीदू वो ऐसी ही लड़की है, उसे ऐसे ही समझ आएगा। आपकी ये अहिंसा वाली जबान उसे समझ में नहीं आएगी, वो जैसी है उसको उसी जबान में समझाना होगा, और जितनी जल्दी हो जाए हम तो अपने घर से उसे बाहर चाहते हैं। वरुण जी चलिए उनको शाबाशी देकर आ। ये आरती वहां किससे बात कर रही है? भाभी आप, आरती कौन था जिसे तुम बात कर रही थी? भाभी वहां तो कोई भी नहीं था। क्या बात है आरती, अभी अभी तुमसे फोन पर बात हुई थी, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त के यहाँ पर हो। हाँ हाँ भाभी मैं अपने दोस्त के यहाँ पर ही थी, मैं तो बस अब घर लौट रही थी। तो फिर यहाँ तुम किससे बात कर रही थी? यहाँ पर नहीं भाभी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं थी। अच्छा हाँ, अरे भाभी आपने ना मेरी वो दोस्त है ना दृष्टि, उसको देखा होगा, तो वही थी, वो अभी अभी यहाँ से गई, मैं तो बस उसके साथ यहाँ पर आई थी ताकि गणपति जी के दर्शन कर सके मंदिर में। हर आरती तुमने तो ये कहा था कि तुम अपने दोस्त के घर पर जा रही हो, क्योंकि उसने अपने घर पर ही गणपति जी बैठाया है, और तुम वहीं से अब घर वापस लौट रही हो फिर मंदिर। क्या भाभी अब मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर भी नहीं जा सकती? नहीं आरती तुम बिल्कुल जा सकती हो, पर मंदिर का भी तो रास्ता उल्टा। खैर जाने दो आरती, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। देखो
ताई जी भी ये कह रही थी कि कल रात में जब वो पानी पीने के लिए उठी तो भी तुम कमरे में नहीं थी। आरती अगर कोई बात है तो प्लीज बता दो। हाँ, नहीं भाभी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कल कमरे में ही थी रात को। हाँ, वो हो सकता है कि जब ताई जी उठी ना तो तब मैं बाथरूम गई होंगी और उन्हें लगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। क्या भाभी, अभी घर में रागनी की परेशानी कम है क्या जो आप मुझ पे भी शक कर रही हैं? चलो अब घर चलते हैं, सोचते कि उस रागनी को उस घर से कैसे निकालना है। लगता है इस पुरानी स्विच में ना फिर से करंट आने लग गया है। रागिनी, आपके लिए एसी चला दें? अरे अरे, आप वहां क्यों हैं? आइए ना, आइए आइए रागिनी जी। हाँ, आइए आप ना, आराम से सोफे पर पसर जाइए। धोबी घाट की तरह आपकी धुलाई जो हुई है। हमारा मतलब है कि आप आराम से बैठिए, थक गई होंगी ना। बैठिए बैठिए। क्या बकवास है? अरे हे भगवान, ये पापड़ हमने खाने के लिए तला था, यहाँ किसने रख दिया है? हाँ, तुम लोगों को ना मैं छोड़ दूँ। रागिनी, क्या हो गया? हो जाती हैं ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ। वैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, काफी भूख लगी होगी तुम्हें। इतनी गाली और मार तो खाया है मोहल्ले वाली औरतों से, अब और बचा ही क्या। रागिनी ना, खाना तैयार है, खाना खाते हैं। आओ ना। चलिए चलिए, आ जाओ। चलिए चलिए, ये गरम गरम खाना। आओ ना रागिनी, आराम से बैठ। खाओ ना रागिनी, देखो कितना सारा आइटम बनाया है तुम्हारे लिए माँ और चाची जी ने, खास तुम्हारे लिए बनाया है, खाओ ना। उफ, ये क्या है? जो भी है बहुत कड़वा है। अरे कड़वा लग रहा है तुमको क्या? ओहो कीर्ति, तुमने वो मक्खी तो मारी थी ना जो इस पर भिनभिना रही थी कि नहीं? हाँ चाची जी, पर आपको पता है मक्खी तो मानो चिपक ही गई थी, पर हमने ना स्प्रे मार दिया। बेटा, स्प्रे मक्खी पे ही मारा था ना? हाँ माँ, मक्खी क्या पकड़ में आती है, तो हमने ना पूरे खाने में स्प्रे मार दिया। हाँ, ये भी अच्छा। क्या मजाक है तुम लोगों का? तुम लोग मुझे जहर खिला रहे हो, तुम्हें पता भी है? हेलो 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 हेलो, तुम भी बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे जिसके दिल और दिमाग में जहर भरा हो उसे जहर का स्वाद क्या पता है ना? लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रागिनी, बदतमीजी की हद होती है। औकात में रहो तुम सब, वरना ना मैं।
अपनी उम्र मत भूलो जो अपनों से बड़ों पर हाथ उठाने जा रही थी। उम्र का लिहाज कर रही थी मैं, इसीलिए अब तक चुप बैठी थी, लेकिन आज जो इन लोगों ने किया है ना, उसकी सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी। अरे ऐसा भी हमने कुछ नहीं किया है जो तुम हम पर हाथ उठाओ। अरे हम तो बस वो नीम डाल दिए थे खाने में, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये लो, खुद ही देख लो, दूसरों को ना अपनी तरह मत समझो। ये चुड़ैल वाला तड़का तुम्हारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में नहीं। बहुत हो गया तुम सबका नाटक। तुम लोगों को क्या लगता है कि इंस्पेक्टर किरण को भगा दिया तो तुम लोग जीत गए? तुम लोग ये मत भूलो कि मेरी पहचान ना आगे तक भी है। एक फोन लगाऊंगी ना तो एक अकेली औरत को परेशान करने के जुर्म में तुम सब सारी उम्र जेल में सड़ोगे, समझे? बिना परमिशन के कहां अंदर चली जा रही हैं? मुझे तुम्हारे सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। सबसे पहले जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, उसके बाद बात करेंगे, समझ गई? जाइए। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम रागिनी सिंघानिया है और मुझे तुमसे बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैडम प्लीज सुनिए, सुनिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, प्लीज। मैडम प्लीज सुनिए, मैम प्लीज। सर, सर मुझे आपसे बात करनी है। आप बिना परमिशन मेरे केबिन में कैसे आ गए और आपने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? सॉरी सर, मैंने इन्हें रोका था। सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं बहुत परेशान हूँ सर। त्रिपाठी परिवार की जो औरतें हैं ना, वो मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रही हैं सर। आप अपना काम कीजिए। सर ठीक है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर हुआ यह है कि मुझे अकेली समझकर वो सब मुझे परेशान कर रही हैं। मेरे घर के फर्श पर उन्होंने तेल छिड़क दिया जिसकी वजह से मैं बहुत जोर से गिर गई। फिर ना घर का स्विच खराब कर दिया जिसकी वजह से मुझे करंट लग गया। और आज तो मेरे खाने में उन्होंने मक्खी मारने की दवा मिला दी, जहर मिला दिया मेरे खाने में। सर आप मेरी बात भी सुन रहे हैं? मैं आपकी बात अच्छी तरह सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। और नाम क्या बताया आपने अपना? रागिनी सिंघानिया। हाँ लेकिन मैंने तो आपको मेरा नाम बताया नहीं। खैर आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिख दीजिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ऑफ कोर्स मैं कंप्लेन भी लिखूंगा और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लूंगा, मगर आपके खिलाफ। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मेरी प्रॉब्लम नहीं दिख रही? आपको मेरी हालत नहीं दिख रही? मैं कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ और आप मुझ पर कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं? कैसे पुलिस ऑफिसर हैं आप? मैं कैसा पुलिस ऑफिसर हूँ मैम, जो अपराधी का नाटक तुरंत पकड़ लेता हूँ और वो भी सुबूत के साथ। लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? रागिनी ये क्या बदतमीजी है? औकात में रहो तुम सब, वरना ना मैं रागिनी। एक बुजुर्ग पर हाथ उठाने की सजा, पता है आपको मुझे संघानी? ये वीडियो झूठ है सर, ये उन औरतों की साजिश है और कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने हमारे घर वालों पर हाथ नहीं उठाया जैसा इस वीडियो में दिख रहा है? बोलो सर, आप ही बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद क्या हम इनके खिलाफ कंप्लेन भी ना डालें? जरूर करनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट सुनो, तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है ना, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो। अगर मैं जेल चली गई ना तो मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मेरे लिए इतने सारे लोग काम करते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, प्लीज। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन ना करें तो हम नहीं करेंगे।
पर हमारी एक शर्त है, कल सुबह तक ना तुम हमारे घर से दफा हो जानी चाहिए। कल अपना सारा सामान बांधो और हमारे घर से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। सर, हम इन्हें एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं सुधरी तो इस वीडियो को सबूत बनाकर हम इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देंगे। ठीक है, जैसा भी रहे आप मुझे बता दीजिएगा। ओके। अब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं हमने रागिनी, तुम हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे सारे दरवाजे बंद तो कर दिए तुमने श्रद्धा, लेकिन अभी भी एक दरवाजा खोलना बाकी है, और जब वो खुलेगा तो कैसा तूफान लाएगा ना तुम देखना। अरे क्या हो गया है, तुम इतनी बुझी बुझी काहे लग रही हो? कुछ नहीं मुझे, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे। श्रद्धा, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई का स्वागत तुम करो। भाई अंदर आ जाओ अपनी दुल्हन को लेकर। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।